अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेट है दोस्तों? आज थोड़ा आपको दुकान का वीडियो दिखा रहा हूँ। इधर हम काम करते हैं, छोटा सा दुकान। कोई चीज़ें वगैरह हमारे इधर रखे हुए हैं। आप देखते हैं, ये पुराने पुराने चीजें हैं हमारे। इधर से हम अपना काम करते हैं। ये एक है बैटरी चार्जर जो आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई दोस्त का ये काम नहीं कर रहा है तो आप हमारे दुकान में ले आएं, इसको आपको बना के देंगे। ये एक तरफ बिजली में लगाना है, दूसरी तरफ ये दो तार हैं, ये बैटरी में लगाने हैं। और बैटरी भी चार्ज करता है, आपका पंखा भी चलाता है, और कोई चीज़ आप चलाएंगे वो भी चलाता है। और आप कोई इन्वर्टर छोटा जो साइज के वाले होते हैं, इस डिजाइन का जो इन्वर्टर होता है वो भी आपको बना के देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इन्वर्टर है, इसका हाल आप देख लें। सारा इस पे मिट्टी है, देखें बिल्कुल कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सारा ये मिट्टी मिट्टी है। इधर से आप देखें, ये भी मिट्टी है। अभी इसका नट बोल्ट वगैरह मैंने उतार दिए हैं। अभी आप देखें सारा मिट्टी है। जो भाई इसको जो ना अपना इन्वर्टर को साफ़ करना, हवा लगाना या साफ़ करना चाहता है तो जो है वो हमारे दुकान में आ जाए, फिर जो है हम इसका इन्वर्टर साफ़ करके बना देते हैं। ये इन्वर्टर एक ख़राब इन्वर्टर है, जिसका जो है ये बटन नहीं है, ये बटन काम नहीं कर रहे हैं। ये धूप पे रखा हुआ था, इसी तरह इसका ये बटन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज इसको लिया, बटन भी लगाते हैं और जो है ना इसको हवा वगैरह लगा के साफ़ करके फिर जो है ना तैयार करके भाई को देते हैं। ठीक है, कोई भाई को अगर इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप जो है ना अभी बुला के दुकान में, कंद मोरंज में दुकान है, आप उसको उधर इन्वर्टर को लाएं, फिर आप अपना इन्वर्टर को साफ़ करें। क्योंकि ये इसके अंदर मिट्टी होता है, फिर जो है ना ये ठंडा नहीं होता है, ये गर्म होता है, फिर जो है ना ये इसका जलने का चांस होता है। इसी वजह से मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ।